जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज तक आमिर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो आय जाति निवास आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो उसको हम लोग डाउनलोड कैसे किया जाता है, इसी की वीडियो हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जैसे कि दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और आय जाति निवास डाउनलोड करने के लिए आपको RTPS बिहार पर आप लोग क्लिक करना होगा। जिसे क्लिक करने के बाद RTPS इस पर आप लोग क्लिक करना होगा। जिसे आप लोग इस पर दोस्तों आप लोग क्लिक करते होंगे फिर यहाँ आप लोग देखते होंगे यहाँ पर सर्विस प्लस बिहार गवर्नमेंट और इस पर आप लोग क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों इस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ खुलने में थोड़ा समय लगेगा, नेट स्लो चल रहा है इसी कारण टाइम लग रहा है। जैसे यहाँ पर आप दोस्तों खुलेगा तो यहाँ पर कुछ देर आप इंतज़ार कर लीजिएगा। जैसे इंतजार करने के बाद जैसे यहाँ पर इसका वेबसाइट सभी प्लस का खुल जाता है तो हम आपको बताऊंगा कि आय जाति निवास कैसे डाउनलोड किया जाता है। आपको आय जाति निवास डाउनलोड करने के लिए जो आपको रिसीविंग नंबर है उसको रखना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर खुल गया, जैसे खुलने के बाद यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखते होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति देखे, यानी ये आवेदन की स्थिति देखे, यानी आप किसी भी आय जाति निवास यानी आय जाति निवास पहले वाला नहीं जो नया वाला आय जाति निवास है उसको यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो लॉगिन पासवर्ड से बना है यहाँ से आप कर सकते हैं। विदाउट अगर योग्य पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पर आप लोग क्लिक करते होंगे थोड़ा इस तरह सा इंटरफेस आपको दिखाने लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर जब यहाँ इसका वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता है तो आप आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर को यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ऑपरेशन रेफरेंस नंबर डालना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो में, यहाँ पर जो आप लोग जो देखते होंगे दोस्तों यहाँ पर रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर को मैं यहाँ पर हम डालूँगा। और दोस्तों यहाँ डालने के बाद यहाँ पर जो सब यहाँ पर कैपिटल में होना चाहिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम डालेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है BCCCO/2021/697917। जैसे दोस्तों यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर अप्लीकेशन सबमिट यानी अप्लाई जो किए थे उस डेट को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जैसे कि मैं अप्लाई इसको आज ही मैं किया हूँ यानी आज 5 तारीख है, 5 तारीख सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों कैप्चा जो है कैप्चा आप लोग को डालना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आप लोग को सबमिट क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप सबमिट क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर यहाँ पर आप लोगों को वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस प्लस के साइड है थोड़ा स्लो चलता है। तो जैसे आप लोग वेट करने के बाद जैसे यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों इस तरह का आपको यहाँ पर फेस आएगा। जैसे यहाँ पर फेस आने के बाद यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा। यस यानी यस यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यस यानी डाउनलोड करने के लिए, और नो जैसे यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाना कोशिश करूँगा यहाँ पर जैसे मैं नो करूँगा और यहाँ पर सबमिट जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ थोड़ा ऐसा फेस आएगा जो यानी आवेदन का स्थिति यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि बना हुआ है नहीं बना हुआ है। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। जैसे यस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डालने के बाद आपको इस तरह से फेस आएगा और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।